ओके वेलकम दोस्तों। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यस 12th OCM का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें लर्न करा के दूंगा और समझा के भी दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे पीछे कि आपको आज हम प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो सेकेंड चैप्टर का पूरा ब्रेन मैपिंग सेशन में आपको बताने वाला हूं और अलग अलग ऐसे कुछ इमेजेस के साथ आपको प्लानिंग के इंपॉर्टेंस जो फीचर्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपकी सारी चीजें ये इमेजेस के थ्रू लर्न हो जाएगी, राइट? यस दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 2 में कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। मतलब 12 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन और 15 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन ये चैप्टर आने ही वाला है। तो मैं कहूं कि इसका वेटेज 15 मार्क्स है करके, राइट? और चैप्टर 1 में कुछ बातें रिड्यूस की गई थी। मेरा ऑलरेडी आपने लेक्चर देखा होगा कि जो 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस पे जो सब्जेक्ट वाइज हमने बनाए हैं लेक्चर, उसमें OCM का भी था और वहां पे भी मैंने कहा था कि चैप्टर 2 में कोई भी कट नहीं किया है, कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है करके। तो पूरा का पूरा चैप्टर 2 आपको पढ़ना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कैसे पढ़े सर, ध्यान दो यहां पे। ये देखो दोस्तों, ये रहा आपका चैप्टर 2 पूरा इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट क्या है। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अलग था, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है। तो इसको समझना, ऑलरेडी मेरा 12th का एक लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ये सारी बातों का एक ब्रीफ में एक वीडियो बनाया है जो बहुत ही ज्यादा एनिमेशन के साथ है। ऑलरेडी लिंक होगी तो आप वो देखिए, फिर आपको ये लेक्चर समझ में बहुत ज्यादा आसानी भी हो जाएगी करके। तो दोस्तों यहां पे आपको हर एक पॉइंट 15 मार्क्स के लिए ये आने वाला है इस चैप्टर में से, कहां पे कौन से क्वेश्चन आएगा ये इस सीरीज के लास्ट वाले लेक्चर में बता दूंगा, राइट? तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक ये लेक्चर देखो, कहीं पे भी आपको आपका जो फोकस है उसे कम नहीं करना है। मैं पहले से सारी बातें पढ़ा रहा हूं एज इफ कि आपने कभी ये चीज पढ़ी नहीं हो, या फिर मैं ऐसे समझ आऊं कि सारा ऑडियंस जो मेरे सामने है उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे लेके जाना है जीरो से। तो ठीक है, चलो पढ़ना चालू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में से एज इट इज कोई क्वेश्चन आएगा नहीं बड़ा, लेकिन ऑब्जेक्टिव शायद आ सकते हैं, बराबर? इसीलिए एक बार ये पढ़ना जरूरी है। ओके सर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। We have discussed various management principle in the first chapter in detail. Henry Fears के principle पढ़े हमने, F.W. Taylor के principle पढ़े, scientific principle, yes or no? तो वो principle हमने पढ़े थे कि भाई spirit decop, teamwork क्या रहता है, remuneration का principle क्या है। तो आपको अगर किसी से अच्छे से काम करवाना है तो आपको principles of management पता होना चाहिए करके। उसके भी lecture तो मेरे already है ही ऐप पे, right? और अपने चैनल पे भी हो गए। सो वो वहां पे आपने देखा था कि आपको अगर सक्सेसफुल, मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको लोगों से काम करवाना है, और अगर लोगों से काम करवाना है तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। उस चैप्टर में हमने वो देखा था। दिस प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ओके ठीक है सर, यहां तक भी कोई एग्जाम के से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। व्हाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द कर्ता इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर। तो अगर हमको ये प्रिंसिपल्स या अगर हमको ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चलानी है, प्रिंसिपल को फॉलो भी करना है, हमको प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ फंक्शंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। किसके? मैनेजमेंट के। तो उन्होंने एक जॉइंट हिंदू फैमिली का एक एग्जांपल दिया है कि जो कर्ता होता है, जो लीडर जो लीड कर रहा है, मेन बंदा है, वो क्या करता है, प्लानिंग करता है कि हम कैसे आगे काम को करेंगे। द कर्ता ऑर्गेनाइज वेरियस थिंग विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। ही ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द अदर मेंबर फॉर सपोर्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग द फैमिली एज वेल एज फैमिली मेंबर। द कर्ता डायरेक्ट, गाइड, कोऑर्डिनेट एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। वॉट एवर द कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनेजमेंट। दोस्तों अभी अभी जो IPL खत्म हुआ, राइट? अब मुंबई इंडियंस ने जो कप जीत लिया IPL का, तो ये क्या था, इसमें क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यूज नहीं हुए हैं? डेफिनेटली हुए हैं।
प्रॉपर हर मैच से पहले प्लानिंग था, हर मैच से पहले प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जब ऑन फील्ड जा रहा है तो रोहित शर्मा कौन से प्लेयर को कहां पे रखना है, राइट, कहां पे उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, स्लिप में कौन सा रहेगा, बाउंड्री लाइन पे कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, हो गया प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, राइट, या फिर आईपीएल इंडिया में तो नहीं पॉसिबल था, दुबई में लेके गए, समझ में आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद दोस्तों स्टाफिंग, प्लेइंग 11 में कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए, राइट, डायरेक्शन कि कौन से टाइम पे कौन से प्लेयर को आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लास्ट में देखो कौन कर रहा था, अगर ऑन ग्राउंड है तो रोहित शर्मा जी कंट्रोल करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि उनको पता है कि यहां पे डिसीजन और सारे प्लेयर को उनके पास ही देखना है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जब कोई भी टीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऐसे चीज है कि आप अपने पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो दोस्तों। तो ये सबका जब इफेक्टिव तरीके से एक बोलते ना कि एक चीज हम फॉलो करेंगे तब जाके ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिजल्ट भी अच्छे से मिलेंगे, जैसे कि एमआई ने आज कप जीत लिया, समझ में आ रहा है। यस सर, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट, राइट, द मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच रिलेट टू वेरियस फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एक्सेट्रा etc. etc. which help in achieving the organization goal। Sir और ma'am, introduction में तो वही point था जो already मैंने आपके description में जो link देके रखा है, वहाँ से आप देखो एक बार, आपको definitely बहुत ही ज़्यादा इस chapter को ना वो deep में समझने का, मतलब वो पता है ना कि कोई भी चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, वो interest create होना चाहिए, और वो interest आपका video create करा के देगा, और यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं बताने ही वाला हूँ। चलो दोस्तों, सबसे पहले कि आप जो पढ़ने वाले हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी भी मैं प्लानिंग पे नहीं गया, एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और आपको तब उसका आंसर लिखना होगा, और मैं टेक्स्ट बुक से इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मैं कोई नोट्स भी ला सकता था, लेकिन नोट्स क्या होता है, अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक में से ही चीजें उठा के उसका फॉर्मेटिंग चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं, और आप सबके पास ये टेक्स्ट बुक है तो आपको इससे हेल्प जरूर होगी। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद हम प्लानिंग करने वाले, तो थोड़ा वेट कीजिए, पहले फंक्शंस को हम थोड़ा समझ लेते हैं, मतलब इन्हीं के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ला लेते हैं। अकॉर्डिंग टू LALN ये एक डेफिनेशन दिया है, क्या, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, ये तो सबका लर्न हो ही जाना चाहिए, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखते हो तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत रहता है। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू LALN क्या था, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, बोलो हो गया क्या, मैनेजर इज व्हाट मैनेजर डज, दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग। सो दोस्तों, कितने फंक्शंस आपने देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट तो प्लानिंग से हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, कंट्रोलिंग पे, तो ये तो हमेशा एक जनरल रूल है कि कौन सा फंक्शन स्टार्टिंग फंक्शन रहेगा, प्लानिंग, कौन सा एंडिंग रहेगा, कंट्रोलिंग, तो यस, बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर्स, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर, ये अंडरलाइन करो। आपको इंटरव्यू में कभी सवाल पूछा जाएगा, क्या प्लानिंग के या मैनेजमेंट के जो फंक्शन है एक दूसरे से अलग हो सकता है क्या, इनसेपरेबल, ओके सर, मतलब क्या कि अगर एक भी चीज आपने अच्छे से नहीं की, मैच जो चल रहा है लेकिन प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन ही प्रॉपर नहीं है, रन आउट हो जाएगा प्लेयर, वो बोल रहा है भाग मत भाग मत भाग मत, दूसरा बंदा भागता है, सूर्य कुमार यादव का विकेट याद आ रहा होगा जो आईपीएल देख रहे होंगे, उन्होंने विकेट छोड़ दिया, पॉइंट इज व्हाट कि आप में कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक भी आर ऐसे अगर नौ के नौ प्लेयर आउट हो गए तो क्या होगा सर, तो इसीलिए इनसेपरेबल है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली, और उन्होंने कहा है, एक सवाल आपसे पूछने वाला हूं मैं, क्या मैनेजमेंट फंक्शन सिर्फ टॉप लेवल पे ही लगता है क्या, तो आंसर इज नो, एवरी लेवल सर, एवरी लेवल मतलब बॉटम से बॉटम लेवल, इवन आप पढ़ाई में मैनेजमेंट कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ दो, आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैनेजमेंट आपका होता है कि भाई किसी फ्रेंड का बर्थडे तो उसे कैसे सरप्राइज विश करे, अच्छा कहीं आपको किसी से मिलना है तो एक्स्ट्रा क्लासेस का कैसे रीजन बनाया जाए, या घर वालों को क्या क्या कारण दिए जाए, ऐसे अलग अलग बातें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो कर रहे, प्लानिंग तो कर रहे, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे, स्टाफिंग कर रहे, अपने दोस्त को फोन जाता है, दोस्त कंट्रोल कर लेता है भाई कि नहीं ठीक है, संभाल लेता है, ये मेरे पास से आया था पढ़ने को,
सो मुद्दा क्या है, हम लोग सब मैनेजमेंट सीख रहे हैं और हर जगह पे मैनेजमेंट होता है ये करके, यहाँ से बुकिश लैंग्वेज में उन्होंने दिया है। तो आई थिंक सो पहला जो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या देखा, एक डेफिनेशन LALN का, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, हो गया। डेफिनेशन किस पे फोकस करता है, मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन, द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग और एंड कहां से होगा, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन। दोस्तों अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, नाम सुना सुना लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने किया था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मतलब क्या, फ्यूचर को अंदाजा, मतलब ना कि बारिश होगी, फोरकास्ट कर रहा हूं मैं, पेपर इजी आएगा, फोरकास्ट कर रहा हूं, यही क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, यही चाहने वाला, फोरकास्टिंग, राइट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल, खत्म हो गया डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। चलो मेरे साथ ही लर्न करना है आपको, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, आपका टेक्स्ट बुक आपके साथ है दोस्तों, और कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहा है आपके सामने, तो उसके साथ वो चीजें करो तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। किसका सर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन आप कर रहे हो, ना तो प्लानिंग, ना तो ऑर्गेनाइजिंग, ना तो स्टाफिंग, ना तो कोऑर्डिनेशन, ना तो कंट्रोल, इनके अपने अपने एक डेफिनेशन दिए हैं और सबके डेफिनेशन मैं आपको करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का तो डेफिनेशन होना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो सर, क्या, टू मैनेज इज व्हाट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, बोलो क्या, फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। तो क्या वर्ड थे सर, एफ से फोरकास्ट, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइज, FPO, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, और दो CC आए गए, टू कमांड एंड टू कंट्रोल, FPO, CC, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल, खत्म। किसका डेफिनेशन था, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल इन्होंने दिया हुआ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन सर। ओके लास्ट, लूथर गुलिक, ये नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या था, लूथर गुलिक हैज गिवन कीवर्ड, ये भी आ जाता है कि एग्जैक्ट कीवर्ड कौन सा था, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा यहां से, और ये वर्ड को ना घुमा फिरा के देते हैं ये लोग। मैंने क्या बताया समझा आपको, आपको ये वर्ड दिया जाता है, इसे घुमा फिरा के वो देते हैं और पूछते कि एक तो ये पूछेंगे लूथर गुलिक, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, वहां पे हेनरी फ्योल होगा, FW टेलर नाम होगा, लूथर गुलिक होगा, और कीवर्ड क्या रहेगा, पोस्ट कॉर्प, POSDCORP, इसका भी फुल फॉर्म है, देखते हैं। लूथर गुलिक हैज गिवन कीवर्ड पोस्ट कॉर्प फॉर मैनेजमेंट फंक्शन वेर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओके, तो पोस्ट कॉर्प है ना, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, O stand for organizing, तो दो वर्ड तो इजी हो गए, S stand for staffing, right person at right place या right जगह पे होना चाहिए staffing, B stand for directing, direction देना, right, कौन सा bowler कौन सी over कब डालेगा, okay, then C stand for coordination, O stand for क्या था, ORB ना, तो यहां पे CO, ये O है ना, तो ये छोटा है, इसे समझ लो, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, ये बच्चों को ना याद नहीं होता और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, D के बाद जो CO है उसका पूरा मतलब है कोऑर्डिनेशन, R फॉर क्या था, रिपोर्टिंग, और B फॉर क्या था, बजेटिंग, तो O मत ढूंढ लेना, CO का कोऑर्डिनेशन है, R फॉर रिपोर्टिंग है, B फॉर बजेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजेटिंग फंक्शन आर समराइज इन द फंक्शन कॉल्ड कंट्रोलिंग, और ये RB को ही समराइज करके एक MCQ बना दूंगा, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कंट्रोल। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं दूसरे कलर का पेन यहां पे लेके आ रहा हूं, मैं दूसरे कलर से मैं यहां पे लिख रहा हूं करके देखना, रेड कलर, ई हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, डी हो गया, राइट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ से था कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में क्या आना चाहिए था, कंट्रोल, लेकिन आर और बी रिपोर्टिंग और बजेटिंग होता है, इन दोनों को मिला के क्या बन जाता था, कंट्रोलिंग, समझ में आया। तो अब हमने क्या किया सर, फंक्शंस ऑफ व्हाट मैनेजमेंट, जिसमें हमने AALN का डेफिनेशन देखा, LALN का, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डस, पहला पॉइंट। दूसरा, द डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन, स्टार्टिंग क्या पॉइंट था, प्लानिंग, एंडिंग क्या पॉइंट है, कंट्रोलिंग, ये हो गया। और उसके बाद क्या था, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर आयो क्लासीफाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसको क्लासीफाई किया है, ये पॉइंट लिख देना। हेनरी फ्योल जी का डेफिनेशन, FPOCC, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू कोऑर्डिनेट, टू व्हाट, टू कमांड एंड टू कंट्रोल, ये हो गया। उसके बाद क्या था, पॉट स्कोर, पॉट स्कोर मतलब क्या, उसका वर्ड पूरा, पी फॉर
प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी ओ कोप से क्या था कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग, और रिपोर्टिंग बजटिंग बना के क्या हो गया कंट्रोलिंग। दोस्तों आपको समझा गया, देखो लेक्चर ये रेगुलर टाइप के लेक्चर, और हर एक चीज जब मैं डिटेल में हम पढ़ रहे हैं ना, भूलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, सब चीजें याद रहेगी। दो मार्क्स का सवाल या एमसीक्यूज तो इससे आ ही सकते हैं। लूथर गुलिक अंडरलाइन आईएमपी कर दो, मैच द पियर्स हो या कहां पे तो कहां के आपको ये मिलेगा ही। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये अभी प्लानिंग क्या होता है और कैसे इसके फीचर्स मुझे आपको लर्न करा के देने हैं, वेट कीजिए सेकेंड लेक्चर का। पहले लेक्चर में तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बता दिया, अभी एक एक पॉइंट हम चालू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में क्या होगा, मैं आपको यहां पे प्लानिंग के बारे में पूरा एक क्वेश्चन करा के दूंगा जो चांसेस से 8 मार्क्स के लिए आए, या 8 मार्क्स तक कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 8 तक। तो प्लानिंग का डेफिनेशन में लर्न करा के दूंगा, प्लानिंग के फीचर्स में आपको लर्न करा के दूंगा, राइट। तो आई होप आपको यहां तक लेक्चर समझा होगा, और धीरे धीरे 2-3 लेक्चर आएंगे तो आपकी लिंक लग जाएगी। चलो दोस्तों तब तक मैं रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।